सुबह उठने से लेकर रात सोने तक, नाश्ता करने से लेकर खाना खाने तक और द्रव्य की पढ़ाई करने से लेकर परीक्षा में लिखने तक, इन सब चीजों में आयुर्वेद है। नमस्कार मित्रगणों, मेरा नाम ऋषि चौधरी, आर्य पोदार आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज मुंबई में मैं द्वितीय वर्ष का विद्यार्थी हूँ। एक BMS विद्यार्थी के दिन में किस तरह से आयुर्वेद घेरा होता है, प्रसारित होता है, ये मैं आपको दिखाने वाला हूँ। बोले तो मेरे दिन में आयुर्वेद, आयुर्वेदा इन माई डे। आयुर्वेद को फॉलो करना है तो कुछ हैशटैग फॉलो करना पड़ता है। जैसे #1, ब्रह्म मुहूर्त को उठने से इसकी शुरुआत होती है। #2, सुबह उठकर पानी पीना। #3, शौच करना। #4, दंत धावन करना। #5, स्नान करना। #6, योगा करना। और लास्ट में #7, दिन भर के काम के लिए तैयार होना। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ हमारे कॉलेज की उपहार गृह में, जहाँ मैं नाश्ते करता हूँ गुरु आहार का। गुरु क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये पचने में थोड़ा सा भारी होता है। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ हमारे पोदार हॉस्पिटल में किस तरह से पेशेंट को आयुर्वेदिक मेडिसिन देकर उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। ये है द्रव्य का गार्डन, जिसमें आयुर्वेदिक मेडिसिन किस पेड़ पौधों से बनती है वो इसमें प्रेजेंट है। और जो मेडिसिन बनानी है वो किस लैब में बनती है वो बोलते हैं रसशास्त्र लैब, फार्मेसी। हफ्ते में हमारे दो दो दिन बटे होते हैं, दो दिन द्रव्य की पढ़ाई करने के लिए, दूसरे दो दिन जो मेडिसिन लिए, जो द्रव्य लिए है वो बनाने के लिए, वो कैसे बनती है वो फार्मेसी लैब में बनती है। और लास्ट के दो दिन जो मेडिसिन बनी है, जो आयुर्वेदिक मेडिसिन बनी है, वो पेशेंट के ऊपर ट्राई करने के लिए, उनके ऊपर एक्ट करने के लिए होती है। ऐसे ही हमारा पूरा दिन, पूरा हफ्ता, पूरा साल और पूरा जीवन आयुर्वेद के लिए समर्पित है। बोले तो सर्व द्रव्य पांच भौतिकम अस्मिनार्थे, बोलते हैं कि इस पृथ्वी के, इस संसार के सभी घटक इन पांच घटकों से बने हैं। बोले तो पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। जैसे कि मेरे टी शर्ट पे आप देख सकते हो, ये पहला है वायु, दूसरा है तेज, तीसरा है जल, चौथा है आकाश और एक जो मैं हूँ वो है पृथ्वी। बोले तो इस सृष्टि में, इस संसार में जो भी घटक बने हैं, पेड़ पौधे, हम हो गए, कपड़े हो गए, सब चीजें आयुर्वेदिक से बनी है। इसलिए बोलते हैं कि कण कण में आयुर्वेद, हर दिन हर घर में आयुर्वेद। धन्यवाद।